सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2021 है दोस्तों। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है, जहां काफी रोमांचक और काफी जबरदस्त सीरीज खेली जाएगी, जो कि श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी 13 जुलाई 2021 से लेकर 27 जुलाई 2021 तक। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर भारत की ए टीम नहीं बल्कि बी टीम जाने वाली है, यानी कि सेकेंड स्ट्रेंथ टीम इंडिया जाएगी श्रीलंका दौरे पर, जहाँ कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत मोरा, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत समेत कई सारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, यानी कि सभी सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड में रहेंगे, जिसके चलते दूसरी तरफ भारत की बी टीम जाएगी, जो युवाओं से भरी हुई टीम होगी, जिसमें काफी सारे युवा खिलाड़ी होंगे, हालांकि कुछ गिने चुने एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। और ये युवा खिलाड़ी आईपीएल में से पहले काफी शानदार प्रदर्शन करके आए, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। और ये भारत की बी टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी और श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को हराने का दमखम रखती है। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरेगी भारत बी टीम के खिलाफ, यानी कि श्रीलंका की ए टीम ही होने वाली है। तो भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह सीरीज काफी जबरदस्त, काफी रोमांचक होने वाली है। भारत की बी टीम वर्सेस श्रीलंका की ए टीम के बीच लड़ाई होगी, तो कौन सी टीम जीतेगी यह सीरीज। हालांकि श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में काफी फायदा मिलने वाला है, होम एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जो कि कोलंबो के आर परमादेसा स्टेडियम में। तो जानिए इस वीडियो में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या, आखिर भारत की बी टीम की क्या संभावित प्लेइंग 11 होने वाली है श्रीलंका दौरे के लिए, वो कौन से भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी खेलेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे सेकंड चैनल क्रिकेट रफी आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर बैक टू बैक लगातार क्रिकेट की सबसे पहले अपडेट्स मिलती रहती हैं, जो कि सभी पेजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय बी टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर होंगे जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और कप्तान शिखर धवन, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इससे पहले आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करके आए हैं, और फिलहाल इस सीरीज में ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी होंगे भारतीय टीम की तरफ से, इस वजह से इन्हें कप्तानी सौंपी जाएगी कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में। इससे पहले शिखर धवन भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी भी कर चुके हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर होंगे पृथ्वी शाह, जो कि ये भी काफी शानदार युवा ओपनर बल्लेबाज हैं, ये भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी या फिर आईपीएल 2021 सभी लीग और टूर्नामेंट में काफी ज्यादा रन बनाए हैं, तो ये शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत है। अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, करेंगे वन डाउन की बल्लेबाजी। वहीं इसके बाद नंबर चार पर होंगे संजू सैमसन, विकेट कीपर बैट्समैन, काफी युवा खिलाड़ी हैं और श्रीलंका दौरे के लिए एज अ विकेट कीपर के तौर पर ये खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे हार्दिक पांड्या, बेहतरीन ऑलराउंडर। दरअसल हार्दिक पांड्या इंग्लैंड दौरे पर नहीं गए हैं, इस वजह से भारतीय बी टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर जाने वाले हैं। अगर हम बात करें नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे कुणाल पांड्या, ये भी एक शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं, स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे राहुल तेवतिया, बेहतरीन ऑलराउंडर, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं, पिछले दो सीजन से काफी शानदार प्रदर्शन करके आए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही, जो कि एक बेहतरीन स्पिनर माने जाते हैं। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे दीपक चहरी, युवा तेज गेंदबाज। उसके बाद नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, जबरदस्त एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज। अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे युजवेंद्र चहल, बेहतरीन स्पिनर। उसके बाद नंबर 11 पर होंगे टी नटराजन या फिर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या फिर राहुल चहर, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। तो गाइस यदि भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 श्रीलंका दौरे के लिए, जहां आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका दौरे के लिए अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तो फिर वो खेलते हुए दिखाई देंगे, अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि श्रीलंका दौरे तक फिट हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।